हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिसमें आभूषणों के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो उनको याद करने की मैंने ट्रिक बताई है आपको। सिर और नाक के जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आ जाएगा, नाक का दूसरा है और गले का, फिर दांत का, हाथ के जो बाजू और कलाई के आभूषण हैं उन सभी की ट्रिक बनाई है, अंगुली और कमर के ट्रिक बना दी है, पैर की, और आज हम पढ़ेंगे पैर की अंगुलियां और पैर के आभूषण, तो उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पैर के आभूषण। तो पैर के आभूषणों की ट्रिक हो जाएगी दोस्तों आजकल, इसकी ट्रिक है, आसान है। आजकल सांझ में तो नुपुर ने हिरण पग से पग पेंजरा से खटवाए। ठीक है दोस्तों, इसकी दो ट्रिक बताऊंगा आपको, जो छोटी लगे तो वो भी कर सकते हो और ये बड़ी लगे तो उन छोटी को देख लेना, लेकिन इसको याद करने में आपको फ़ायदा है दोस्तों। आजकल सांझ में तो नुपुर ने हिरण पग पेंजरा से खटवाए। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 से 15 बार रिपीट कर लेना, आपको गारंटी है आपको याद हो जाएगी दोस्तों, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और आभूषणों को। अब देखिए आज से क्या बनेगा। आज से दोस्तों, आज से याद रखना कि अजवर और आंवला, ये आज से ही याद हो जाएगा आपको। आज से क्या याद होगा? अजवर और आंवला। ठीक है, कैसे याद रखना दोस्तों? ये जो कल है उसमें क्या है तो उससे याद रखना, कड़ा या कड़ूला। ठीक है, कल में जो ल है उससे लच्छी लंगार याद हो जाएगा, लच्छी लंगार। आपको तो हिंट चाहिए दोस्तों, वहाँ आपको याद नहीं आ पाते कि लंगार किसका आभूषण, इसलिए हिंट के माध्यम से याद कर लेना दोस्तों इसको, कि ल से आपको तुरंत याद आ जाएगा लंगार, कि ये तो किसका आभूषण है, पैर का। ठीक है, सा से याद रखना दोस्तों, सांझ में जो सा है उसमें सा से याद रखना साठ, और झ से याद रखना दोस्तों झांझर या झंकारत, झंकार रतन। ठीक है, मैं से क्या याद रखोगे दोस्तों? मैं से मंसूरियो। ठीक है, तो से याद रखना दोस्तों तोटा या तोड़िया। नुपुर से, नुपुर ऐसा का ऐसा याद रख लेना दोस्तों, नुपुर कमर, इसका आभूषण है किसका, पैर का। ठीक है, फिर है ने, तो ने से क्या याद रखोगे? नेवर। ने से क्या याद रखोगे दोस्तों? नेवर याद रखना, ने से नेवर याद रख। फिर है हिरण, हिरण, हिरण से हीरामैन, ये भी पैर का आभूषण। पग से याद रखोगे? पगपान, ये भी पैर का आभूषण है। और पेंजरा, पेंजरा से क्या याद रखोगे? पायजम या पायजेब, ये सब पैर के आभूषण ही है। से क्या याद रखोगे दोस्तों? से सिंजनी, से सिंजनी। खटवाए से खंडवा और खटुला, ये दोनों आपको इसके याद रखनी है दोस्तों इसी से। ठीक है, अब हम आपको और दो बताएंगे छोटी वाली, जिसमें आपको अगर छोटी याद रख सकते हो तो दो याद करनी पड़ेगी, और अगर एक याद करना चाहते हो तो ये याद कर लेना। तो दूसरी पहली है, ठीक है, छोटी वाली, आज सांझ तो नुपुर ने पग माँ घुंघरू खंदवाए। ठीक है, ये भी आसान है वैसे तो, आज सांझ तो नुपुर ने पग में घुंघरू खंदवाए, तो आज से अजवर हो जाएगा, सा से सांठ हो जाएगा, झांझ झांझर और झंका रतन हो जाएगा, तो से तोटा हो जाएगा, नुपुर से नुपुर हो गया, ने से हो जाएगा दोस्तों नेवर, पग से याद रखना दोस्तों ये पगपान, ये भी पैर का आभूषण है, ग से याद रखना दोस्तों गठिया, ये भी पैर का आभूषण है, माँ से क्या याद रखोगे? माकिया, ये भी पैर का आभूषण है, घुंघरू, ये तो सभी को आसान है याद करना, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई घुंघरू याद हो जाएगा तो उसमें क्या हो गया, ये पता चल जाएगा कि ये पैर के आभूषण है। तो खंडवाए से याद रखना खंडवा और खंडूला, जो मैंने बताया था उस ऊपर वाली में। और अब दूसरी ट्रिक है दोस्तों, दूसरी बच्चे कुछ सारे आ जाएंगे इसमें, दूसरी से याद रखना इसमें, इसमें है कल मसूर हिरण के पैर माँ पेंजरा सू धर में चोट आवली। पहले ही बता दिया कि कल मसूर हिरण के पैर माँ पेंजरा सू धर में चोट आवली दोस्तों, तो कल, कल में जो कह है उसे कड़ा या कड़ूला हो जाएगा, ल से लच्छी लंगार हो जाएगा, मसूर से मसूरी हो जाएगा, हिरण से हीरामेन हो जाएगा। ठीक है, के को छोड़ देना दोस्तों। पैर से क्या याद रखोगे? पैर से पैजामिया या पाइजेब। ठीक है, माँ से क्या याद रखोगे? माकियो।
पेंजरा से पेंजा, सु से सीजनी, धड़ से तेधड़। देखो धड़ में, तेधड़ के अंदर धड़ छिपा हुआ है लास्ट में, तो वह भी आसान हो जाएगा। और चो से चोट से चौपुली हो जाएगा, चो से चोट में जो चो है उससे जो चौपुली हो जाएगा। टै से हो जाएगा टणगा या टोडरो। और आंवली से दोस्तों क्या याद रखोगे, आंवला। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों पैर के आभूषण। इसको 10 से 15 बार रिपीट कर लेना ट्रिक को, और इसको देख लेना, आपको आसान हो जाएंगे आभूषण याद करना। अब पैर की जो अंगुलियां हैं उसके आभूषण बता देता हूँ आपको, ये छोटी है और आसान है। गौर पैर की अंगुलियों में डोलन डोल की का फोबिया। क्या है कि कोई आदमी है, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी गौर के पैर की अंगुलियों में डोल की को रोग, ऐसे समझ लेना कि डोल की का फोबिया है, तो उसका डर लग रहा है उसे। तो इससे क्या 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 याद होगा, देखो गौर से क्या याद रखना, गौर गौर से गौर याद हो जाएगा। गू से याद रखना, गू से क्या याद रखोगे दोस्तों, ये अंगुलियों में अंगुलियां हैं। पैर से तो याद रखना कि पैर की अंगुलियां हैं, ठीक है, पूरी का पूरी पैर से पैर की अंगुलियां, ठीक है। गौर से गौर हो गया, अब पैर की अंगुलियां हो गई, पैर की अंगुलियां। अब अंगुलियों के अंदर क्या क्या छुपा हुआ, देखो गु से याद रखना दोस्तों गुठला, ठीक है, इसका गुठला। लियो, लियो से याद रखना दोस्तों, देखो नकलिया लिखा हुआ है उसमें, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लियो, तो इससे याद हो जाएगी कि ये नकलियो इसका आभूषण है, ठीक है। मैं को छोड़ देना दोस्तों, दोलकी, दोलकी से याद रखना दोलकियो, ये भी पैर की अंगुली के आभूषण है, ठीक है। फोबिया, फोबिया में जो फो है उससे याद रखना फोलरो, फोबिया में फोलरो हो जाएगा फो से। और बिया से याद रखना दोस्तों बिछिया, क्या याद रखोगे, बिछिया। देखो बी और या इसमें छिपा हुआ है, छी बस बीच में लगा हुआ है, तो बिया से याद रखना बिछिया। तो ये मैंने ट्रिक बताई आपको पैर की अंगुलियों की। तो दोस्तों अब हमारे आभूषणों की सारी ट्रिकें आपको उपलब्ध है दोस्तों, तो आप आभूषणों की सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो आपको मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा लेट लेके आऊँगा। पहले आपको जो पहले वाले वीडियो, उन सभी के क्वेश्चन में उपलब्ध करवा रहा हूँ आपको दोस्तों। वीडियो ज़रूर देख लें पहले वाले, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक।